यस मैम, मॉर्निंग मैम गुड मैम मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मैम गुड व्हाट मॉर्निंग मैम, अबाउट यू? व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन बेटा। एम फाइन मैम, व्हाट आई एम आल्सो फाइन बेटा। आज के सेशन में हम चैप्टर 12 के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? अबाउट हाँ तो चलिए बेटा, यू? यस सबसे पहले मैम, अपना बुक ओपन रखिएगा, देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बुक दिख रहा है बेटा? यस मैम, यस मैम, यस मैम। मैम देखिए बेटा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, पहले बात तो बात वाले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी यस मैम, यस मैम, एक भी तो नहीं हुआ है ना अमन? नो मैम, नो नो मैम, तो चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन है बातों वाले में, खूनी हस्ताक्षर, यानी जो आप लोगों ने पिछला चैप्टर पढ़ा था खूनी हस्ताक्षर, और जैसलमेर की राजकुमारी, पाठों में क्या क्या समानताएं और क्या क्या असमानताएं हैं, यानी दोनों पाठों में कौन सी चीज एक जैसी है या फिर कौन सी चीज अलग अलग दिख रही है, मैम, इसको बताएंगे। कितने लोग बता सकते हैं? हैंड शो कीजिए। अमन बताएंगे? चलिए बेटा बताइए क्या, कि पहले आप समानता बताएंगे क्या क्या समानता है। खूनी हस्ताक्षर में सुभाष चंद्र बोस बहुत वीर थे तथा जैसमहल की राजकुमारी में जैसमहल की राजकुमारी कुमारी भी बहुत वीर थी। असमानताएं, खूनी हस्ताक्षर में सुभाष चंद्र बोस पूरे देश के लिए काम कर रहे थे, पर जैसमहल की राजकुमारी अपने किले के लिए केवल कर रही थी। अपने किले की रक्षा के लिए कर रही थी, बस यही है? और भी कोई हमारे में पार्ट? दूसरा क्वेश्चन है, नहीं, दूसरा नहीं है, यही है। और कोई बताए? हाँ दूसरा। बेटा, यस और कोई मैम, मैम बताइए मैम खूनी, यस क्या? मैम, मैम खूनी, मैम खूनी हस्ताक्षर में मैम सुभा, मैम सुभा, मैम मैम भारतीय अपने देश के लिए जान देने के लिए तत्पर थे, और जैसलमेर की राजकुमारी की कहानी में जैसलमेर की राजकुमारी भी अपने अपने राज्य के लिए अपनी जान देने के लिए तत्पर थी। मैम समानता है, और विषमताएं क्या है बेटा? मैम असमानता यह है कि मैम जैसलमेर की राजकुमारी में मैम वहां की राजकुमारी युद्ध युद्ध लड़ रही थी, पर मैम युद्ध लड़ रही थी, लेकिन खूनी हस्ताक्षर में सुभाष चंद्र बोस अभी सबको तैयार कर रहे थे युद्ध करने के लिए। बेटा युद्ध के लिए तैयारी कर रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे, और जबकि राजकुमारी तो स्वयं ही किले की रक्षा कर रही है सेना के साथ, है ना? और कोई बताएगा? हाँ अनुप्रिया, हाँ चलिए बेटा, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बेटा सभी लोग वीडियो अपना जो है ऑन रखना, यस ठीक मैम, है? मेहमान यस है, मेहमान है, चलिए बेटा दूसरा देखते हैं। मेहमान रत्न सिंह ने किले की रक्षा का दायित्व किसे सौंपा था और क्यों? रुचि है, रुचि रुचि रुचि,
मैम रत्न सिंह ने किले की रक्षा का दायित्व राजकुमारी को सौंपा था क्योंकि वे बहुत वीर थी और वे अपने किले को संभाल सकती थी। हाँ, तनिष्का आप बताइए बेटा। मैम रतन सिंह ने किले की रक्षा का दायित्व मैम राजकुमारी को सौंपा था क्योंकि वो बहुत वीर और बहादुर थी। हाँ बेटा, यानी उन्हें विश्वास था मेरी अनुपस्थिति में राजकुमारी किले की रक्षा कर सकती हैं, ठीक है? विश्वास मैम एटल। हाँ बेटा बताइए, दूसरा बताइए, दूसरा भी इसको आने दीजिए, तो सभी लोग बता ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तीसरा क्वेश्चन है, किस तरकीब से राजकुमारी ने शत्रुओं को अपना कैदी बनाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तरकीब आपको बताना है कि कैसे तरकीब लगाई थी राजकुमारी ने उनको कैदी बनाने के लिए। अनुप्रिया टेल यू, अनुप्रिया मैम हमें लग रहा है अनुप्रिया जो है नेटवर्क प्रॉपर नहीं उनके यहाँ पर है। चलिए बेटा सौरभ आप भी बताइए। सौरभ मैम जब मैम नमन सेना का सेनापति मैम मालिक कपूर मैम एक योद्धा को मैम पैसे देकर और कहा कि मुझे आप इसके द्वार के अंदर जाने दे और मुख्य द्वार का रास्ता बताए, तो फिर हुआ जब राजकुमारी वहां पर गई तो योद्धा नहीं था, तो फिर वे बुलाए, फिर योद्धा हाजिर हुआ। उसके बाद उसने राजकुमारी को अपनी सारी बातें बताई, फिर राजकुमारी ने कहा कि उन लोगों को आने दो। फिर जब वे लोग आए रात 12 बजे जब ये लोग आए तो फिर योद्धा ने कहा कि और बाकी के मोहरे दो, तो फिर उन्होंने मालिक कपूर ने योद्धा को बाकी के मोहरे दिए और फिर अंदर प्रवेश करने का रास्ता पूछा। तभी एक बूढ़ा योद्धा लोमड़ी की बात ही चक्कर काटते हुए ताला लगाकर भाग गया, गायब हो गया। फिर मालिक कपूर और यमन सेना चक्रव्यूह में फंस गए। हाँ बेटा चलिए। यस मैम। और कौन बताएगा इस क्वेश्चन को? अनिल बताओगे? अनिल किसी को बताना है इस क्वेश्चन को? बोलिए बेटा। जब मालिक कपूर ने अपने एक सैनिक को मोहरे दिए और कहा कि तुम पश्चिमी तट का डोर शाम को खोल देना, तो जब राजकुमारी ने देखा तो वह डोर पे सैनिक नहीं थे, तो उसने बुलाया। तभी एक मूर्ख आदमी आया और उसने सारी बात राजकुमारी को बता दी। राजकुमारी ने एक चाल चली, उसने कहा कि ठीक है तुम दरवाजा खोल देना। तब मालिक कपूर 12 बजे रात के 12 बजे आया तो उस मूर्ख इंसान ने दरवाजा खोला। जब सभी सेनाएं अंदर आ गई तभी मालिक कपूर से उस आदमी ने और सोने के सिक्के मांगे, तो मालिक कपूर ने सोने के सिक्के उसको दिए और कहा आगे जाने का रास्ता बता। तभी वह लोमड़ी की भांति पीछे चकराकर गिर गया और ताला बंद कर दिया। इसके कारण वो मालिक कपूर के सैनिक इस चक्रव्यूह में फंस गए। हाँ बेटा, यानी उनको छल के द्वारा जो है कैद खाने में ले जाकर कैद कर दिया गया था, मुख्य द्वार खोल के, जो रिश्वत देके आप जो है योद्धा को अपने में मिलाए थे, उसी योद्धा ने जो है उस छल के द्वारा उनसे रिश्वत भी ले ली और उसके बाद फाटक खोल के उनको अंदर ले आके किले के और तहखाने में ले जाकर बंद भी कर दिया। चलिए बेटा दूसरी अगला क्वेश्चन है।
राजकुमारी द्वारा शत्रु का अतिथि सत्कार करना सही था या नहीं? मैडम बोलिए बेटा अनुप्रिया। मैम राजकुमारी द्वारा शत्रुओं का अतिथि सत्कार करना सही था, क्योंकि कहा गया है कि अतिथि देवा भवा, जिसका मतलब है हमें अपने अतिथि का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो हमारे शत्रु हो या मित्र। यानी हमारे धर्म में हमारे संस्कार हमारी सभ्यता इस बात को कहते हैं कि अतिथि देवा भव, यानी अतिथि देव के समान होता है, फिर चाहे वह हमारा दुश्मन ही क्यों न हो, इसलिए हमें उसकी सत्कार में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। तो राजकुमारी द्वारा शत्रुओं का अतिथि सत्कार सही था, है ना? हाँ चलिए बेटा, अब हम आते हैं कलंक की सवारी, ठीक है? चलिए ध्यान देंगे आप सभी। पहला क्वेश्चन है, राजकुमारी ने किले की रक्षा के लिए रक्षा के क्या क्या प्रयास किए, यानी किला सुरक्षित रहे इसके लिए रानी ने क्या क्या उपाय किया, क्या क्या प्रयास किए? हैंड शो कीजिए। आज अनिल नहीं बोलना चाह रहे हैं, क्या बात है अनिल, आज पढ़े नहीं हो क्या? हाँ चलिए सान्विका आप ही बताइए। हाँ बताएं, पहले सान्विका को बोलने दीजिए। सान्विका सान्विका क्यों लेट कर रही हो बेटा? क्या सुन नहीं पा रही है क्या? कुछ बोल ही नहीं रही है। हाँ चलिए सान्विका में लग रहा नहीं सुन पा रही है, हाथ बैठी है केवल। चलिए आप ही बताइए, और कौन बताएगा? अनुप्रिया बताइए। चलिए मैम राजकुमारी ने किले की रक्षा के लिए गन तेल और अपने और सारे अनाज और सभी को तैयार किया। हाँ आप बताएं बेटा सौरभ। मैम राजकुमारी ने किले की रक्षा के लिए मैम गन तेल और मैम विशाल पत्थर का इस्तेमाल किया। मैम जब यमन सेना उनकी आधी दीवार तक चल गए थे, तब उन्होंने उन यमन सेनाओं पर फेंका था। पत्थर बरसाए थे, गरम तेलों की वर्षा की थी, क्यों अमन? आप बताइए क्या हुआ था? मैम राजकुमारी ने किले की रक्षा के लिए तीरों की वर्षा की, तथा उसने जब यमन सेना आधी दीवार चढ़ गए तो राजकुमारी ने भारी भारी विशाल विशाल पत्थरों और गरम तेलों की वर्षा की। हाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका अर्थ आपको स्पष्ट करके बताना है अपने शब्दों में, ठीक है? समझ रहे हो ना? पहला है, राजकुमारी की सहेलियां इतने चूहों को चूहेदानी में फंसाकर हंस रही थी, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? आप लोग इसको क्या समझ रहे हो, इस चीज को क्या अर्थ निकाल रहे हो इस वाक्य के? मैम बताइए बेटा। अर्थात राजकुमारी की सहेलियां यवन सेना को एक छोटे से मतलब एक छोटे से तेज खाने में देखकर फंसाकर हंस रही थी, उनके साथ छल कर वो उनकी सहेलियां हंस रही थी कि मैंने अपने छल से यवन सेना को कैद कर लिया। मैम नेटल। हाँ बेटा आप बोलिए। मैम राजकुमारी मैम आशा स्पष्ट यह है कि राजकुमारी की सहेलियां इतने सारे शत्रुओं को अपने कैद में लाकर बहुत खुश हुई थी। हाँ बहुत खुश हुई थी, जैसे चूहेदानी में चूहा फंसा होता है और निकलने के लिए जो है छटपटाता है, लोग देख के उसका जो है खुश होते हैं,
है ना, क्योंकि चूहा वहां नुकसान कर रहे होते हैं, इसलिए जब चूहा फंस जाता है तो बहुत खुश होते हैं, चलो चूहा फंस गया। वैसे ही राजकुमारी भी यवन सेना जो कि उसको किले को ध्वस्त करने आई हुई थी, जब उसको कैद में फंसाई तो उनकी मूर्खता पर हंस रही थी सभी सहेलियां कि किस प्रकार से वो धोखा देने आए थे राजकुमारी के पक्ष वालों को यानी लोगों को, लेकिन खुद ही धोखे का शिकार होके छल के द्वारा कैद खाने में फंस गए चूहे की तरह, है ना। अगला देखिए, इसको आपको लिखना होगा नोटबुक में ठीक से, ठीक है, कम से कम दो तीन लाइन बना के। नंबर खा, उनके अंग शिथिल हो गए पर नेत्रों का तेज वैसा ही था। किसके लिए कहा गया है, इसका क्या आशय है? आकांक्षा आकांक्षा राजकुमारी के लिए भी नहीं, बिल्कुल बोलना चाह रही है। मैं राजकुमारी के लिए जाइए बेटा, दो ही तीन लोग बोल रहे हो ना, दिव्या कुछ अप्लाई कर रही है और ना ही जो है सावित्री कुछ बोलना चाह रही है। हा? क्या है आज मैम, शिथिल का मतलब क्या होगा? निष्क्रिय होना, कमजोर पड़ना, ठीक है। यस मैम। हाँ, जैसे भूखा प्यासा व्यक्ति रहता है तो कमजोर महसूस नहीं, थकान महसूस नहीं करता है। यस मैम। दुर्बल हो जाता है तो शिथिलता आ जाती है उसके अंदर। चलिए बताइए, आप ही बताइए। मैम राजकुमारी के अंग कमजोर तो थे ही पर उनके नेत्रों का तेज वैसा ही था। नहीं, इतना आप थोड़ा बड़ा करके बताइए। हाँ चलिए सावित्री, आप बताइए। मैम राजकुमारी का अंग मैम छोटा ही था पर उनका आंख बहुत तेज था। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होगा। और कोई? हाँ चलिए सावित्री, आप बताइए। सब लोग बोलते हैं, तुम देखते हैं कौन सही बता पा रहा है इसका। मैम राजकुमारी का अंग मैम स्त्री होने के मैम राजकुमारी का अंग मैम कमजोर था पर उनके नेत्र में तब भी वही तेज था। और कोई? मैम हाँ बोली बेटा। मैम राजकुमारी का अंग भोजन के लिए भोजन के ना मिलने के वजह से कमजोर हो गया। अभी आपने सही पॉइंट पकड़ा है। हाँ देखिए बेटा, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। हाँ एक बात ये थी कि जब किले के बाहर शत्रुओं की सेना ने डेरा डाल रखा था तो किले में जो खाद्य सामग्री थी, रसद बताया गया ना, धीरे धीरे कम होने लगी थी। तब तो राजकुमारी को बहुत चिंता हुई तो कैदियों को दो मुट्ठी अनाज और अपने लोगों के लिए एक मुट्ठी अनाज का उन्होंने प्रबंध किया। तब तो एक मुट्ठी अनाज जब लोग खाएंगे तो कमजोर हो ही जाएंगे ना, तो वही चीज राजकुमारी के लिए लागू होता है। यानी अन्न अभाव में राजकुमारी के शरीर जो है कमजोर पड़ गए थे, लेकिन फिर भी आंखों की ज्योत यानी नेत्रों का जो तेज था, चमक जो था, वह भी पहले की ही तरह था। उनके अंदर शत्रुओं से विजय प्राप्त करने वाला तेज जो था अब भी कायम था। भले ही शरीर दुर्बल हो गया तो क्या, लेकिन नेत्रों में जीत का जोश उत्साह जो है चमक रहा था। ठीक है, इसी से तो शत्रुओं को फंसा पाई थी। Yes, ma'am. हाँ चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर की राजकुमारी कहानी का उद्देश्य लिखे। इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, उद्देश्य क्या है इस कहानी का? वो बहुत क्या है, कोई भी कथा या कहानी किसी उद्देश्य से लिखी जाती है ताकि जो पढ़े वो इस चीज को ग्रहण करे, उसके अंदर इस चीज का भावना हो। तो राजकुमारी की कहानी का उद्देश्य क्या था? बताइए अनिल। मैम जैसलमेर की राजकुमारी कहानी का उद्देश्य यह है कि मैम हमें अपने शत्रु से मैम नहीं पिछड़ना चाहिए मैम, और हमें उससे लड़ना चाहिए। और कोई? निहार का आने कुछ बोलना है आपको, बैठी और आराम से। कुछ रिप्लाई कीजिए आप भी, पहले स्पीकर ऑन करो। Yes,
जैसलमेर। हारिका स्पीकर ऑन कीजिए, बोलिए। हाँ चलिए दूसरा कोई बोले। बेटन सामिका, बेटन सामिका, बेटन बोलिए बेटा, आप ही बोलिए। मैम आज क्यों बैठे नहीं रहे? कोई भी बोले बेटा। मैम जैसलमेर की राजकुमारी कहानी का उद्देश्य यह है कि हमें अपने शत्रुओं से डरना नहीं चाहिए और उनका सामना करना चाहिए। अनुप्रिया राजकुमारी का यह उद्देश्य था, जैसलमेर राजकुमारी का यह उनके यह उद्देश्य थे कि हमें अपने शत्रुओं से डरना नहीं चाहिए और उनका डटकर सामना करना चाहिए। हाँ सावित्री आप बताइए बेटा। सावित्री को बोलने दो, आपकी आवाज आई नहीं सावित्री। मैम जैसलमेर की राजकुमारी कहानी का उद्देश्य यह है कि हमें अपने शत्रुओं से डरना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। आप राजकुमारी कहानी का उद्देश्य है हमें अपने शत्रुओं से हारना नहीं चाहिए और उनका सामना करना चाहिए। चलिए मन आप ही बोलिए। मैम जैसलमेर की राजकुमारी कहानी का उद्देश्य यह है कि मेहमान भी चाहे शत्रु क्यों ना हो उनकी देखरेख हमें करनी चाहिए, परंतु अगर कहीं कोई किले की अपने राज को मिटाना चाहिए तो हमको डटकर उसका भी सामना करना चाहिए। हाँ बेटा देखिए जैसलमेर की राजकुमारी कहानी का उद्देश्य हमारे अंदर देश प्रेम की और वीरता की भावना को जागृत करना है। इसके साथ ही साथ एक भावना और हमें जागृत करना है अतिथि सत्कार की, ठीक है। हमारा अतिथि शत्रु ही क्यों ना हो लेकिन हम उसका सम्मान करें और फिर समय आने पर देश पे के लिए हम अपने आप को मर मिटने के लिए तैयार रहें, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ठीक है। सबके अंदर देश प्रेम की भावना होनी चाहिए और देश के लिए समर्पण की भावना होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली किसी वीर महिला पात्र के बारे में लेख लिखे। इस क्वेश्चन को हमने दिया था आप लोगों को राइट करने के लिए। तो मैम मदर टेरेसा। यस मैम। मदर टेरेसा नहीं 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 मदर टेरेसा से नहीं, स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई। हाँ बेटा तो चलिए स्वतंत्रता संग्राम में जो युद्ध के लिए लड़ी हो लक्ष्मीबाई तो लड़ी ही थी। सरोजिनी नायडू। ऐसी महिला के बारे में लिखना है तो इसको आप सबसे बढ़िया तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। मैम झांसी की रानी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत उन्होंने ही की थी, है ना। यस मैम। हाँ तो चलिए आज का वर्क आप लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आज आप लोग करेंगे, ठीक है। यस मैम। और फोर कल के। हाँ बेटा मैं फोर कल के लिए रहेगा, नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यस सेकंड और थर्ड, सेकंड में आपको आशय लिखना है कि बढ़िया से हेडिंग डालेंगे आशय स्पष्टीकरण। क्या हेडिंग डालेंगे? आशय स्पष्टीकरण नंबर का डाल के तब नंबर का आशय लिखेंगे, फिर नंबर खा डालेंगे तो नंबर खा का आशय लिखेंगे। अलग अलग लाइन में लिखना है ना, लिखेंगे इस जो है इस पंक्ति का आशय यह है कि राजकुमारी की तथा उनकी सहेलियों ने छल के द्वारा शत्रुओं को किले में कैद कर लिया था और वे सभी उनकी मूर्खता पर हंस रही थी, ठीक है। दूसरा लिखेंगे राजकुमारी के किले में खाद्य सामग्री की कमी होने के कारण जो है राजकुमारी का भी शरीर दुर्बल हो गया था, लेकिन फिर भी शत्रुओं से विजय प्राप्त करने की जो चमक होती है वह उनकी आंखों में उसके बाद तब भी दिखाई दे रही थी, वो शत्रुओं से डटकर मुकाबला कर रही थी, ठीक है। नंबर का नंबर खा के डाल के।
और बाकी प्रश्न नंबर जो है चार जो है ये आपका कल का रहेगा, ठीक है? यस 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 मैम। इसमें आपको लक्ष्मी बाई के बारे में लिखना है। अब मैम उनका पूरा परिचय, पूरा एक पेज आप लिखोगे, उनका जन्म, माता पिता, फिर उन्होंने क्या योगदान किया है, पूरा आपको लिखना है। सरोजनी नायडू के बारे में भी लिख सकते हैं। सरोजनी नायडू से ज्यादा महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता संग्राम के लिए आपकी रानी बाई, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी तो केवल सभा संबोधित करती थी, लेकिन लक्ष्मीबाई ने युद्ध किया है, आप उनके बारे में जानते हो? चमक उठी संसत्ता वनमेवा तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। तो आप उनके बारे में पोयम भी बहुत बढ़िया है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा हुआ भी है, तो बढ़िया से आप इसको बारे में पूरा पेज लिखेंगे, ठीक है? यस मैम। यस मैम। और शायद इनका बर्थडे भी अगले ही महीने में है। यस मैम। अब आप लोग शायद हमें मतलब 90% हमें जो है श्योर है कि जनवरी में ही इनका बर्थडे है, हो सकता है कि हम भूल रहे हो, भी हो सकता है, लेकिन जब आप लोग लिखोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। यस मैम, मैम उनका जन्म लिखेंगे। हाँ, जैसे हो सकता है हम कंफ्यूज हो, क्योंकि सुभाष का भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वे, पुरुष में हम उनका लिख सकते हैं, तो 23 जनवरी को उनका बर्थडे था, है ना? तो सत्ता में कंफ्यूज हो रहा हो, सुभाष का ही बर्थडे हो, लेकिन आप लोग लिखिएगा तो पता चल जाएगा झांसी की रानी का भी बर्थडे। चलिए आगे हम और पढ़ाएं, अभी तो समय है। यस मैम। हाँ चलिए। यस मैम। यस मैम। भारतीय भाषा की उत्तर दो पढ़ते, आप लोग पढ़े भी थे पिछले साल, पढ़ते किसे कहते हैं, ठीक है? चलिए आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है उत्तर को पढ़ते, अब आगे आपको क्या पढ़ना है ध्यान दीजिए। चीनू और चीकू की बातचीत। जैसलमेर की राजकुमारी सच में बहुत बहादुर थी, उनकी बहादुरी के सामने सब टिक नहीं पाए। चीकू और चीनू की बातचीत में रंगीन वाक्यांश शो, जैसलमेर की राजकुमारी उनकी सब पर ध्यान दे। इन वाक्यांशों को उद्देश्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उद्देश्य। इसमें क्रिया से जुड़े व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख होता है, जबकि शेष वाक्यांश को विधेय कहा जाता है। इसमें कर्ता के गुणों या अवगुणों आदि का उल्लेख होता है। इस प्रकार उद्देश्य और विधेय से मिलकर एक पूर्ण वाक्य बनता है। वाक भाषा की प्रमुख इकाई है, इसका प्रयोग विचारों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है, यानी विचारों का आदान प्रदान ही भाषा का साधन माना गया है ना? यस मैम। यस मैम। तो वाक भाषा की प्रमुख इकाई मानी गई है, भाषा का आदान प्रदान हम वाक्य द्वारा ही तो करते हैं, भाषा विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख साधन है, और इस साधन के प्रयोग के लिए हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं, यही तो? यस मैम। यस मैम। वाक्य दो भी होते हैं भाग, एक उद्देश्य यानी जो कर्ता होता है, जो कर्ता होता है वाक्य में वह उद्देश्य होता है, बाकी जो वाक्यांश होते हैं वो विधेय माने जाते हैं, ठीक है? समझ गए कि नहीं? यानी जो मेन होता है वाक्य में कर्ता, उसको हम उद्देश्य कहते हैं, और बाकी जो भी वाक्यांश होते हैं उसको हम विधेय कहते हैं। तो चलिए दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य अलग करके लिखिए, इसमें से आपको उद्देश्य अलग करना है, बाकी विधेय को छोड़ देना है। जैसलमेर के महाराज रत्न सिंह की कन्या बहुत बहादुर थी, तो उद्देश्य इसमें क्या है? मैम रत्न सिंह की कन्या, जैसलमेर के महाराज, जैसलमेर की कन्या, जैसलमेर की कन्या। हाँ, ये आपका उद्देश्य। मंडल लाइन कर दे। हाँ, लाइन कर दे। हाँ,
लाइन कर दीजिए, उस पे अलग नहीं करके लिखना है कहीं, आप उसी पे लाइनिंग कर दीजिए। कहाँ तक? अब आप बोलिए कहाँ तक, कौन है रत्न सिंह की कन्या? पूरा जैसलमेर के महाराज रत्न सिंह की कन्या। पर सेकंड में मालिक कपूर यमन सेना। मालिक कपूर यमन सेना, मालिक कपूर यमन सेना का अधिपति था। इसमें मेन चीज है बेटा कि मालिक कपूर करता यही तो है, मालिक कपूर। मैम यमन सेना नहीं होगा? मैम नो, खाली मालिक कपूर, मलिक कपूर कर दो। yes. अगला है यवन सैनिक चक्रव्यूह में फंस गए, तो यहाँ कौन सा उद्देश्य होगा? यवन सैनिक, यवन यवन सैनिक। मैम इसमें होगा युद्ध, वृद्ध योद्धा ने राजकुमारी के कान में कुछ कहा। राजकुमारी तक, राजकुमारी तक, यहाँ मलिक कपूर यवन सेना तक कर दीजिए आप। मलिक कपूर यवन सेना, योद्धा ने राजकुमारी, ठीक है? वृद्ध योद्धा ने राजकुमारी, हम पहले ही इसमें अलाउद्दीन हतबुद्धि हो गया, अलाउद्दीन। यस मैम, दिए गए वाक्य अलग करके जैसे आपने इसमें उद्देश्य को अलग किया है, ऐसे इस वाक्य में आपको विधेय को अलग करना है। उद्देश्य को छोड़ के विधेय को अलग कर दीजिए। मैम यवन सेना को छोड़ देंगे मैम, उसके बाद अंदर लाइट कर देंगे। हाँ, दे दुर्ग को घेरे रखा, दुर्ग को घेर रखा था। मैं रावण के सामने देंगे मैम, और मैम खा का बता दीजिए। मैम ने मैम मालवा तक शाही सेना को खदेड़ दिया था, मैम ये ही होगा। मालवा तक शाही सेना को खदेड़ दिया था। रत्न सिंह ने शाही सेना होगा, रत्न सिंह ने मालवा तक शाही सेना को खदेड़ दिया। रत्न सिंह को छोड़ दो, बाकी सारा विदेह कर दो। यस मैम कर ले, ऐसे इस समय करना है। राजकुमारी सौभ्यक्ति, राजकुमारी पार चलाया। मैम इसको छोड़, मैं पूजने लायक है। हाँ पूजने लायक है, उसमें आपको हैद तक ले जाना है पूरा। यस मैम ले जा। हाँ बेटा बातें तिरंगा दीजिए। चलिए हाँ, आप बाहर से हटकर बहुत कुछ इसको भी आपको जानना है। अभी आपके पास 5 मिनट का टाइम है, जल्दी से बता दे, ठीक है? आजादी की लड़ाई से जुड़ा एक समय आरेख तैयार करें, ठीक है? आरेख में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर 1947 तक के स्वतंत्रता आंदोलनों के नाम और संक्षिप्त जानकारी दर्शाए। आपको बेटा ये करना है, एक चार्ट पेपर लेना है, ठीक है? चार्ट पेपर पर आपको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था, ठीक है? उसके बाद से 1947 तक के जो यह 90 वर्षों का युद्ध हुआ है, इसमें जितना स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं सबका संक्षिप्त जानकारी लिखना है, ठीक है? हम ये किसमें करेंगे? इसको चार्ट पेपर में स्वतंत्रता आंदोलन के नाम,
चार पेपर पे स्वतंत्र आंदोलन के नाम, जैसे आप गांधी जी के समकक्ष के आंदोलन को ले लीजिए, कौन कौन आंदोलन, गांधी जी का आंदोलन चलाया था तो भी स्वतंत्र संग्राम आंदोलन था। मैम आज का नेट पे आप सर्च करोगे तो आप डालोगे 1857 से लेकर 1947 तक के स्वतंत्रता कितने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुए थे, तो आपका आंदोलनों का नाम आ जाएगा, नाम बताइए, ठीक है, 1857 से लेकर 1947 तक के स्वतंत्रता आंदोलन के नाम बताइए या संक्षिप्त जानकारी दे, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन उसमें, ठीक है। आप उसको थोड़ा करके पहले रफ्तार अपनी राइट कर लीजिएगा, कम से कम 5 आंदोलन तो लिख ही दोगे, एक चार्ट पेपर पे 5-6 आंदोलन जानकारी लिख सकते हैं कालम बना के, ठीक है। आ रही समझ में बात? यस मैम। करना इसको ये नहीं करे आज ही कल में करना, 10-15 दिन के अंदर इसको कर डालना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। और दूसरा है देश दुनिया की आजादी व उन्नति प्रगति में योगदान देने वाली देशी विदेशी महिलाओं के बारे में जानकारी एकत्र करें, उनकी उपलब्धियां पुरस्कारों चित्रों समाचार पत्रों में छपे लेखों आदि को चार्ट पेपर पर लिखकर कक्षा में प्रस्तुत करें। देखिए बेटा दो है, दो में से एक करना है आप लोगों को, दूसरे में आपको करना है कि केवल इंडिया की नहीं बल्कि पूरे विश्व में जिस स्त्री ने अच्छा कार्य किया हो समाज के उन्नत प्रगति या देश दुनिया की आजादी में, है ना, उनको जो पुरस्कार मिले हो उनकी थोड़ा संक्षिप्त जानकारी, उनका चित्र कटिंग करके चार्ट पेपर पे चिपका कर उनकी जानकारी आपको करना है। एक चीज आप इसको भी करोगे, दोनों में से एक चीज करना है, ठीक है। जैसे आप पूरा टेसा को ले लो, देश दुनिया में समाज सेवा के लिए प्रमुख रही है, तो आप पहले जानकारी लेंगे, उनका चित्र चिपकाओगे तो फिर उनका जन्म कब हुआ था, क्या पड़ी उनके बारे में, तो उनके बारे में आपको बहुत ज्यादा झेल खोजना भी नहीं है, आपने फोर्थ में पढ़ा था, आप उनका जो संक्षिप्त पर्चे आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। yes, गांधी को ले लो, उन्होंने देश की में बहुत अच्छा काम किया था, या तो फिर उनका ले लो श्रीमती एनी बेसेंट को ले लो, विदेशी महिला थी, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था, है ना। वशिंद्री पास को ले लो, वो पर्वत जो है पर्वत की चोटी तक पहुंची थी, तो अच्छा कार्य करने वाले है ना, उन्नत का तो काम किया है। किरण बेदी को ले लो, सुनीता विलियन को ले लो, है ना, सभी महिलाएं तो अच्छा कार्य किए हैं, ठीक है। यस मैम। अब आइए एक चीज की जानकारी और आप लोग को होना चाहिए, एक ही मिनट बचा बेटा, सेशन समाप्त होने वाला है, इसको आप लोग पढ़ लेना। हम क्या तिरंगा के बारे में थोड़ा जानकारी है कि भारतीय इतिहास में 1931 से एक मुख्य स्थान रखता है, इस वर्ष उस प्रस्ताव को मंजूरी मिली जिसमें तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय झंडे की उपाधि दी जानी थी, यानी 1931 में तिरंगे को झंडे को राष्ट्रीय उपाधि देने की जो है मंजूरी मिली थी, ठीक है। और यस मैम, यह झंडा वर्तमान झंडे का ही पूर्वज है जो नारंगी सफेद और हरे रंग का है, इसके मध्य में पहले गांधी जी का चरखा था और फिर जो है साथ ही ये भी कहा गया था चरखा किसी जात समुदाय का सूचक नहीं है, लेकिन जब 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र झंडे के रूप में स्वीकार किया तो चरखे के स्थान पर इन्होंने अशोक चक्र को प्रतीक चिन्ह के रूप में रखा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन भी है, इसको भी देख लीजिए। हुबली में स्थित कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग संघ भारत का तिरंगे का एकमात्र आपूर्ति करता है।